एक पहेली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए नींद कैसे आती है। नमस्कार, मैं दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के गेट पर खड़ा हूँ। घर और दफ्तर के बीच का सफर होता है। घर पर मानसिक तनाव, दफ्तर में मानसिक तनाव, और इन मानसिक तनाव के बीच मेट्रो की शारीरिक कठिनाइयाँ एक रिफ्रेशिंग चेंज होती है। दफ्तर में नींद आती है पर सोने की सुविधा नहीं होती, घर पर सोने की सुविधा होती है पर नींद नहीं आती। ट्रेन में न लेटने की जगह होती है न सोने की सुविधा, तो नींद बहुत अच्छी आती है। पीछे पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ियों को और आगे ट्रैफिक में धीमी रेंगती हुई मोटर गाड़ियों को देखकर दो रोग याद आते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयड यानी हमारी ग्रंथि थायरॉयड इतना सारा हार्मोन उत्पादन करती है कि मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो जाता है, पटरियों से गिरने का डर रहता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म यानी मेटाबॉलिज्म की धीमी गति पीक आवर्स के ट्रैफिक को मात देती है। हाइपोथायरॉयडिज्म वो होता है जिसमें बाल झड़ने लगते हैं, जोड़ अकड़ने लगते हैं, सुस्ती दिन रात सताती है, आवाज़ बैठ सी जाती है। ये वजह मोटापा आता है, पीरियड्स का फ्लो बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है, चमड़ी खुश्क हो जाती है। इससे ऑपोजिट हाइपर थायरॉयडिज्म में थायरॉयड हार्मोन बढ़ जाता है और इसके सिम्टम्स यूँ होते हैं कि एंग्जाइटी, मोशंस ज़्यादा होने लगते हैं और भूख अच्छी लगने के बावजूद वजन घटने लगता है। अगर आप में ऐसे चिन्ह हैं या आपकी फैमिली में थायरॉयड रोग की हिस्ट्री है या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी पल्स इरेगुलर हो रही है, तो आप T3, T4, TSH ये बेसिक टेस्ट पहले करवाएं और डॉक्टर से मिलें। जाते जाते दो पंक्तियाँ, मुश्किल है रोज सफ़र करना पर कम्यूटर है ढीठ, ही ट्रैवल्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ही हैज टू मेक बोथ एंड्स मीट। चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ।